अबे तू यहाँ पे हाँ? ये मुझे एक बात नहीं समझ आ रही यार। दो बात पूछ भाई। यार ये देख यार, पता नहीं मेरे फॉलोअर्स इतने कम क्यों होते जा रहे हैं और फॉलोइंग की लिस्ट अब मेरी बढ़ती जा रही है। क्या गंदी हरकत करी तूने इंस्टाग्राम पे? ओ भाई भाई, ओ मैंने कोई हरकत नहीं करी, ठीक है? लोग अनफॉलो कर रहे हैं पता नहीं क्यों। क्या करना फिर बता। मुझे नहीं पता, मेरी तो ईगो पे लग गया, मुझे पता लगाने किसने अनफॉलो करा, फिर मैं उनको अनफॉलो करूंगा। तो देखो यार, इंस्टाग्राम हम सब इस्तेमाल करते हैं और जो सीन आपने देखा ना, ये सच में थोड़ा सा ऑफ है, क्योंकि आप किसी को फॉलो करते हो, वो इंसान आपको फॉलो करता है, उसके बाद अगला इंसान अगर आपको अनफॉलो कर देता है तो देखो बुरा तो लगता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पता कैसे करें, क्योंकि भाई देखो इंस्टाग्राम आपको ये फीचर तो देता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा तरकीब है जिसकी मदद से आप पता कर सकते हो कि जिन जिनको आपने फॉलो किया हुआ है, क्या वो आपको फॉलो करते भी हैं या उन्होंने आपको अनफॉलो कर दिया है। तो अगर आप चैनल पे नए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे और भी कमाल के कंटेंट और काम के कंटेंट यहाँ पे आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे। तो सबसे पहले अपन को इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है और उसके बाद अपने प्रोफाइल पे जाना है, उसके बाद ये जो तीन डंडी दिख रही है ना, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ एक्टिविटी का ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करना है, एकदम नीचे आना है स्क्रॉल करके डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन पे, यहाँ पे डाउनलोड और ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे कि आपको पूरा डाटा चाहिए या फिर सिलेक्टिव। तो यहाँ पे ना भैया मैं सिलेक्टिव करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पूरे डाटा की जरूरत है नहीं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा और यहाँ पे कनेक्शन वाले सेक्शन में ही फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग्स दिख रहा होगा, उसको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ डाउनलोड टू डिवाइस सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। रेंज जो भी आप रखना चाहते हो, जैसे कि 6 महीना, 1 साल या ऑल टाइम अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना और सेव कर देना है। फॉर्मेट HTML ही रहने देना और मीडिया क्वालिटी को मीडियम ही रहने देना। उसके बाद क्रिएट फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पे आपको रिक्वेस्टेड का ऑप्शन दिख जाएगा और आपकी मेल ID पे भी जो भी लिंक्ड होगा वहां पे भी ये सेम डाटा आपको मिल जाएगा कुछ टाइम बाद। थोड़ा सा सब्र रखना होगा यहाँ पे, क्योंकि इसी के थ्रू हमें पता चलेगा कि किसने हमें अनफॉलो किया है। Later. तो फाइल को अपन ने डाउनलोड कर लिया है, अब काम आता है पता करने का। तो बहुत उसके लिए हमें लैपटॉप की या फिर डेस्कटॉप की जरूरत होगी, क्योंकि वहां पे बहुत इजीली आप देख पाओगे। तो यहां मैंने अपना सिस्टम खोला हुआ है और जो फाइल है वो मेरे मेल पे है, उसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है पहले से, ताकि टाइम बर्बाद ना हो, और तो मैंने उसको ओपन कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है कंपेयर टू लिस्ट। बाकी आपके सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जिससे कि आप सीधे वहीं पे पहुंच जाओगे, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको अभी मेहनत करना है गाइस, तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो आप लिख देना। तो compareTooList.com हमारा ओपन हो चुका है और इसका जो इंटरफेस है बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको लिस्ट ए दिख रहा है और लिस्ट बी दिख रहा है। अपने को क्या करना है, जो हमने फाइल डाउनलोड किया था ना, उसको अपने को ओपन करने का है। अब जैसे ही अपन ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉलोअर्स 1। तो बेसिकली ये फॉलोअर्स हैं जो लोग आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। और एक आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा फॉलोइंग का, जिनको आप लोग फॉलो कर रहे हो। तो अपन को यहाँ पे फॉलोअर्स को सिलेक्ट करना है और इस तरीके से कुछ सेलेक्ट ऐसे करते जाना है, नीचे तक स्क्रॉल करके जाना है, उसके बाद कंट्रोल सी कर देना है, उसके बाद अपने को आना है वापस से यहाँ पे और लिस्ट ए जो है ना, इसमें आपको कंट्रोल बी कर देना है। तो यहाँ पे देखो अब सब कॉपी हो गया है, अब हमें वापस से लिस्ट बी के में कॉपी करना है। तो अपन यहाँ से वापस से जाएंगे उस वाले फाइल पे, यहाँ पे फॉलोइंग को सिलेक्ट करेंगे और फिर वापस से इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और पूरा नीचे तक जाएंगे। अब यहाँ से कंट्रोल सी कर देंगे और वापस से जाके यहाँ पे कंट्रोल बी लिस्ट बी में अपन कर देंगे। अब बहुत ही सिंपल है, अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ना कंपेयर लिस्ट का, इसको अपने को सेलेक्ट करना है और हमने कर दिया, अब ये प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं नीचे के साइड में, ओनली इन लिस्ट ए, ओनली इन लिस्ट बी और इन बोथ लिस्ट। तो यहाँ पे आपको अमन राशि दिख रहा है सबसे ऊपर में, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि भावेश अमन को फॉलो कर रहा है और अमन भी भावेश को फॉलो कर रहा है। लेकिन गेम तब बदलता है जब आप इन लिस्ट बी में आते हो और ओनली इन बी लिस्ट देखते हो ना। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और इसको हम ओपन करते हैं। तो बेसिकली ये उनका लिस्ट है जिसको कि हमने फॉलो किया हुआ और वो हमें फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन एक सेकंड, भावेश तेरी गर्लफ्रेंड, भावेश की गर्लफ्रेंड का नाम यहाँ कैसे आ रहा है? तो गाइस यहाँ पे भावेश के साथ थोड़ा खेल तो हो गया है, लेकिन मैं क्या बोलूँ इसके लिए। खैर ये स्टेप बहुत इजी है, बहुत काम के हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो भाई आपको पता होना चाहिए कि आप जिनको फॉलो कर रहे हो क्या वो आपको फॉलो बैक करते भी हैं या फिर बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आपको बस अनफॉलो कर दिया है। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलना और ऐसे ही बहुत सारे कॉन्टेंट्स और भी आते रहते हैं फाइबर पे, तो सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। We'll be right back.